उदयपुर राजस्थान राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह शहर उदयपुर जिला और उदयपुर संभाग का मुख्यालय है। वहीं अपनी संस्कृति और टूरिस्ट स्थानों के लिए यह शहर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जिलों की नगरी उदयपुर लगभग 11,724 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर की जनसंख्या 31 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के मामले में उदयपुर राजस्थान का पांचवा सबसे बड़ा जिला और छठवां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। उदयपुर में 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं। वहीं उदयपुर की प्रत्येक आबादी 600 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। उदयपुर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली से 650 किलोमीटर की दूरी पर है और राज्य की राजधानी जयपुर से 395 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर शहर की वाहन पंजीकरण कोड RJ27 है। वहीं उदयपुर एक जिला होने के साथ साथ एक संभाग भी है, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर। वहीं उदयपुर जिला 15 तहसीलों में विभाजित है। खेरवाड़ा, वल्लभ नगर, बड़गांव, ऋषभदेव, सलुम्बर, गोगुंडा, भिंडर, गिरवा, कानोड, लसाड़िया, सेमारी, मावली, सराडा, कोटड़ा और झाड़ोल शामिल है। वहीं उदयपुर जिला कई पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में सिरोही और पाली जिला, उत्तर में राजसमंद जिला, पूर्व में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, दक्षिण में डूंगरपुर जिला और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। उदयपुर के कुल आबादी में 92% हिंदू, 4% मुसलमान, 3% जैन, बाकी 1% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं मेवाड़ी, वागड़ी, हिंदी, राजस्थानी, सादरी एवं अन्य हैं। वहीं राजस्थान का कश्मीर उदयपुर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो अपने खूबसूरत झीलों और महलों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। मुस्कुराइए कि आप उदयपुर में हैं, क्योंकि उदयपुर ही राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा पंचायतें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान का सबसे अधिक वन्य वाला क्षेत्र उदयपुर जिला ही है। और तो और दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील उदयपुर जिले में ही स्थित है। उदयपुर राजस्थान का वो जिला है जहाँ सबसे ज्यादा अभयारण्य मौजूद है। वहीं उदयपुर राजस्थान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्थान भी है, जहां 2016 में 15 लाख से अधिक सैलानी उदयपुर की खूबसूरती को देखने आए थे। वहीं उदयपुर को दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा शहर भी माना गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में तीसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा उदयपुर में ही निकाली जाती है। उदयपुर राजस्थान के बाकी इलाके की तरह अपने सांस्कृतिक लोक नृत्य और संगीत एवं त्योहारों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूमर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, लघु चित्र, गणगौर उत्सव, शिल्प ग्राम उत्सव, हरियाली अमावस्या, जगन्नाथ रथ यात्रा, जल झूलनी एकादशी आदि मनाई जाती है, जो यहाँ के संस्कृति को दर्शाती है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने भी उदयपुर की संस्कृति और खूबसूरती को पूरी तरीके से कैमरे में कैद किया है, जैसे कि धड़कन, धमाल, प्रेम रतन धन पायो, साजन का घर,
मेरा गांव मेरा देश, हम हैं राही प्यार के, खुदा गवाह आदि कई अन्य फिल्में यहां शूट की गई है। उदयपुर जिला खनिज संसाधनों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहां विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी। वहीं औद्योगिक खनिजों में अभ्रक, चूना पत्थर एवं संगमरमर जैसे कई मूल्यवान खनिज शामिल है। उदयपुर की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटक और कृषि है। वहीं उदयपुर शहर राजस्थान में शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। यहाँ का कुल साक्षरता दर 90% है, जो राजस्थान के अन्य शहरों से सबसे अधिक मानी जाती है। वहीं यहाँ पर कई शैक्षिक संस्थान भी मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहा है, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, JRN राजस्थान विद्यापीठ, नोबल यूनिवर्सिटी, प्रशांत यूनिवर्सिटी, गीतांजलि यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं दर्शन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। उदयपुर किसी जमाने में मेवाड़ राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करते थे। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ को घेरने के बाद अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया था। उदय सिंह द्वारा बसाया गया उदयपुर शहर आज अपने संस्कृति और खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चलिए जानते हैं वो कौन सी खूबसूरत स्थान है जिनके कारण पूरी दुनिया उदयपुर को देखना चाहती है, जिनमें सिटी प्लेस, जग मंदिर, लेक प्लेस, आहार संग्रहालय, जगदीश मंदिर, नागदा, फतेह सागर झील, शहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, गुलाब बाग एवं चिड़ियाघर, शिल्प ग्राम, हल्दी घाटी, बागौर की हवेली, सुखाड़िया सर्कल, उदय सागर झील, दूध तलाई, मीनार, बड़ी झील, जैसमन झील, उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क, विंटेज कार कलेक्शन, केसरिया जी मंदिर, मोती नगरी, नीमच माता मंदिर, प्रताप पार्क, सज्जनगढ़ प्लेस एवं करनी माता मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। उदयपुर कैसे पहुँचे? तो दोस्तों, उदयपुर भारत के प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से सीधे जुड़े हुए हैं। उदयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डा एक छोटा घरेलू हवाई अड्डा है, जो उदयपुर को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर आदि भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। वहीं उदयपुर सिटी और राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो अपने रेल मार्ग के जरिए भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उदयपुर अपने सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद एवं मध्य प्रदेश और गुजरात से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप उदयपुर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।